हेलो कर्क राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 31 अक्टूबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे और उनकी फीलिंग्स, उनके दिल की बात, आपके मन की बात, आप दोनों एक दूसरे से क्या छुपा रहे हैं, तो ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, जो गाइडेंस आपको लगती है कि आपको फॉलो करनी चाहिए, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कर्क राशि। जिस भी पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उनको मन में सोच सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। ओके, देखते हैं 15 से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, एक बार टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर दो मैसेज मिल रहे हैं कर्क राशि। या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी कहीं किसी रिश्ते में कमिटेड है, ये ऐसा हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो अगर ऐसा है तो आपके पार्टनर फिर भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ अपने प्यार का इजहार लेते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी यहाँ पर देख रहे हैं उनके लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि कोई नया पर्सन, कोई नया प्यार आपकी लाइफ में आ सकता है, और जो भी आने वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट वाली एनर्जी में है कि यार मुझे ये पर्सन बहुत पसंद है और मुझे ये चाहिए ही चाहिए। राइट, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इन 15 दिनों में कोई किसी के लिए कोई नया प्यार आ सकता है जो कि परमानेंट आए, शादी तक बात जा सकती है उनकी, अगर कोई इंतज़ार कर रहा है अपनी मैरिज का तो। एंड दूसरी तरफ मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ, अगर इतने टाइम तक कमिटेड रिलेशन में नहीं थे, या आपको कमिटेड रिलेशन नहीं दे रहे थे, या आपसे बात शेयर नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यस, अब आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, अब वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये 15 दिनों में बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन वो आपके साथ फील करेंगे, एक्शन लेंगे आपकी तरफ, आपसे बात करना चाहेंगे। अब तक अगर वो कोई बात शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो शेयर करके कहेंगे कि यार चलो जो हुआ उसे जाने दो, अभी एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से एक प्यार वाली बातें करना, फिर से चैटिंग करना, एक्शन लेना, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और देख लेते हैं कर्क राशि। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। दिस सन की एनर्जी देखिए, दौड़े चले आ रहे हैं आपकी तरफ, एक सक्सेसफुल रिश्ता चाहिए अब उनको आपके साथ। हो सकता है कि ब्रेकअप के बाद उन्हें रियलाइज़ हो गया होगा कि यार मैं इस पर्सन के बिना नहीं रह सकता, मैं नहीं जी सकता, या फिर मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो या तो उन्हें कुछ रियलाइज़ हुआ है इसकी वजह से वो वापस आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वो आपके साथ फील करते हैं, इसलिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यस, देखो मिसिंग वाली एनर्जी थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनका कुछ छीन लिया हो, किसी ने उनको मतलब बहुत ज़्यादा दर्द दे दिया हो, अकेले छोड़ दिया हो, तो बहुत ही लोनली फील कर रहे थे वो। यस, बहुत ही लोनली फील कर रहे थे, इसकी वजह से उन्हें ऐसा लगेगा कि कुछ भी हो जाए मुझे तो इसके पास वापस जाना है। तो यहाँ 15 से 31 में अगर किसी का ब्रेकअप हुआ था तो रिकन्सिलेशन दिख रहा है क्लियरली कि आपके पर्सन आएंगे, खुद आएंगे, आगे से आपको मैसेज करेंगे, आगे से आपसे मिलने आएंगे। एंड अगर आप मिसिंग वाली, अगर आप ऐसी एनर्जी में हो जिसमें कुछ आर्ग्यूमेंट था, तो भी आपके पर्सन आपको मनाने वाले हैं। और अगर अब तक आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, एक्सप्रेस नहीं किया था अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स को, तो वो भी खुश हो जाओ, आपके पार्टनर आकर और आपको अपने दिल की सब बातें करने वाले हैं। ठीक है, देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप एटीट्यूड में आ जाओगे कि हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें तो आना ही था, मुझे पता था। तो ऐसी एनर्जीज़ में आप दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा क्वीन वाली एनर्जी में हो, एटीट्यूड, ईगो, और बहुत अट्रैक्टिव आप अपने आप को दिखाने वाले हो। सकता है अपने लुक्स में कुछ चेंजेस कर लो, अच्छा सा हेयर कलर करवा लो, अपनी ड्रेसिंग सेंस में चेंज कर लो, मतलब कुछ भी, कुछ आप में इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पर, कुछ लुक्स में चेंजेस दिख रहे हैं, कुछ न्यू हेयर स्टाइल, न्यू कलर, ये भी हो सकता है आप में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और ज़्यादा करेंगे और आपका एटीट्यूड भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपका एटीट्यूड का लेवल भी यहां पे बढ़ जाएगा। ठीक है,
द एम्परर की एनर्जी है, यस। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ईगो और एटीट्यूड दिखाने वाले हो, आप कहोगे कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रहना है तो रहो। तो मतलब ऐसी एनर्जी में हो आप, अगर पहले मनाने वाली एनर्जी में थे ना तो अभी वो एनर्जी आपकी चली गई है। अब आपको ऐसा है कि मुझे पता है मेरे पार्टनर को मुझसे अट्रैक्शन है, वो आने आएगा ही आएगा मेरी लाइफ में, इसलिए अब आप थोड़ा ईगो में हो। अब आपको ऐसा है कि अब आना है तो कमिटमेंट लेकर आओ, नहीं तो मत आओ। मुझे ऐसा फेक रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि तुमने टाइम पास किया और तुम निकल गए लाइफ से। तो वो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे वैसा रिश्ता नहीं चाहिए, अगर तुम्हें परमानेंट आना है तो तुम आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपकी पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेगी आपकी तरफ इनडिसीजन वाली स्थिति में आपके पार्टनर। द सन, अगेन द सन की एनर्जी है, तो यहाँ पर कुछ या तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा काम था आपके पार्टनर का जिसकी वजह से वो वेट कर रहे थे कि यार मेरा ये सब कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर मैं सोचूं कि मुझे इस रिश्ते में जाना है। सो वो थोड़ा इंतज़ार करवा रहे थे, तो हो सकता है कि उनका वो काम, उनका वो विश फुलफ़िल हो गई हो, इसकी वजह से वो आपकी तरफ आगे बढ़ गए हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, वो बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, तो इसकी वजह से वो आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग मैसेजेस आते हैं। सो और क्या एनर्जी रहेगी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस। एक्चुअली इतने दिन तक वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस रिश्ते में मेरा क्या फ्यूचर है, इस रिश्ते से मुझे क्या मिल रहा है, राइट। जब वो थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक लिया या फिर आप थोड़ा सा दूर होने लगे, तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार इस पर्सन की वजह से ही मेरा सब कुछ है, मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा स्ट्रेंथ है, मेरी सक्सेस है, मेरा एक कुछ गोल्स है लाइफ के कि यार मुझे ये पूरे करने चाहिए क्योंकि मुझे ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए। तो कभी कभी कोई इंसान हमें रास्ता दिखा देता है, हमें डायरेक्शन देता है। तो वहाँ पर उस सिचुएशन में मैं ये देख पा रही हूँ कि यस, आपके पर्सन जो इतने दिन तक इनडिसीजन की स्थिति में थे, वो अब डिसीजन की स्थिति में आएंगे। इन 15 दिनों में वो आपके साथ बहुत ही कमिटेड बातें कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक बातें वो आपको बता सकते हैं, उनके मन में जो भी है, फीलिंग्स है, एक्सप्रेसिव होंगे, अच्छी डेट पे ले जा सकते हैं, एंड बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव आपको दिखने वाला है इन 15 दिनों में, ठीक है। तो कर्क राशि देख लेते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, द गार्डन एंड द गेट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस। आप ऑलरेडी, मैंने कहा ना, आप तो अपनी ही किंग क्वीन वाली एनर्जी में ही रहने वाले हो। देखिए दो क्वींस आपके लिए आई है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, आप अपनी बात पे रहोगे, आप अपनी जिद पे रहोगे कि भाई मुझे तो ये ही चाहिए और ऐसे ही रिश्ता रखना है। और आप, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कमिटमेंट ही चाहिए आपको, आपको टाइम पास नहीं चाहिए। अब आप इन 15 दिनों में ये आप डिसीजन लोगे कि अगर तुम्हें मेरी लाइफ में आना है तो आप परमानेंट आओ। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सन वाली एनर्जी में, क्योंकि वो भी बिगनिंग करना चाहते हैं कि ठीक है एक नई शुरुआत करते हैं, चलो जाने दो, तुम्हें अगर अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम पास कर रही थी या कर रहा था, तो चलो अब एक न्यू बिगनिंग करते हैं, न्यू स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर भी कुछ न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी में है और आप भी अब एक कमिटेड एनर्जी में रहोगे। तो गुड न्यूज़ है आपके लिए एक्चुअली कि इन 15 दिनों में आपका जो रिश्ता इतने दिन तक टिक नहीं रहा था, वो अब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी वाला रिश्ता हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे कि यार हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, ठीक है। चलिए आपके पार्टनर के मैसेजेस, दिल की बात, उनके मन में कैसी फीलिंग्स होगी आपके लिए, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहेंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, यस। आपके पार्टनर आपको रेड फ्लैग्स समझाना चाहते हैं। को डिपेंडेंसी, दोनों ही कार्ड मुझे दिखा रहे हैं कि देखो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि अगर तुम मतलब कि तुम्हें ऐसा लगता है कि यार नेगेटिव बातों को लेकर बैठे रहना है, पुरानी बातों को लेकर बैठे रहना है, तो ये समझ लो कि ये रेड फ्लैग्स है। हो सकता है इसकी वजह से फिर झगड़ा हो जाए, फिर हम दूरियां आ जाए, फिर रिश्ता ना टिके। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें क्लियर करने के मूड पर रहेंगे कि जो पहले ऐसा हुआ ना वो अब ना हो, तो उसके लिए वो आपको प्रिपेयर ज़रूर करेंगे। वो आपको समझाएंगे कि ये चीज़ें हमारे रिश्ते में अब नहीं आनी चाहिए, अगर ये चीज़ें फिर से हमारे रिश्ते में आई, फिर से बीच में आई,
तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ना कुछ हम अलग हो सकते हैं, हमारे बीच में डिस्टेंस आ सकता है, तो रेड फ्लैग से अवेयर करवाने वाले हैं आपको। रिकंसिलेशन, मैंने कहा कि एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत मुझे यहाँ लोगों के लिए दिख रही है। रिट्रीट, दुनिया से अलग, एक अलग ही जोन में जाकर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, एक लविंग रिश्ते को निभाना चाहते हैं और शायद अपनी केमिस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने पार्टनर को। कर्क राशि, सॉलमेट कनेक्शन, आपको भी सॉलमेट कनेक्शन फील होता है। डिसेप्शन, पता है आपको ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपको थोड़ा विश्वास करने में टाइम लगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा यार इतने टाइम तुम कहाँ थे, इतना टाइम क्या तुम्हें फीलिंग्स नहीं आई थी मेरे लिए, क्या तुम्हें समझ नहीं आया था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सपोर्टिव पर्सन पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्यार रखता हूँ या अफेक्शन रखता हूँ, तुम इतने दिन कहाँ थे। तो वो थोड़ा विश्वास की कमी आपकी तरफ से हो सकती है इन 15 दिनों में। कनेक्शन आपको भी बहुत स्ट्रांग फील होता है, आपको भी लगता है यार ये सॉलमेट है मेरा, लेकिन कहीं ना कहीं डिसेप्शन, आपको आप थोड़ा टाइम लोगे उस इंसान को समझने में, आपको लगेगा यार थोड़ा टाइम मुझे लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन मेरे साथ चीटिंग ना कर दे, तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा आप टाइम लेंगे इसमें। ओके, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं देखते हैं, उनके मन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपसे शेयर नहीं करेंगे इन 15 दिनों में। ग्रेटिट्यूड, फेक इट, ओके, कंप्लेसेंसी, ओके, पता है वो क्या छुपा रहे हैं आपसे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उन्हें अब रियलाइज़ हुआ है कि आप एक्चुअली आप ही उनकी स्ट्रेंथ हैं, आपके होने से उनकी लाइफ है, उनकी लाइफ में अबंडेंस है, ग्रोथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वजह से वो ये सब करना चाहते हैं, वो ये सारी चीज़ें पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो वो क्या छुपा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बचपन से या फिर जब से वो समझने लगे हैं तब से वो ये चीज़ अफर्मेशन दे रहे हैं कि यूनिवर्स चाहे कुछ भी हो, मुझे ऐसा पर्सन मिले जो मेरे लिए परफेक्ट हो, और वो एक्चुअली उन्हें मिल गया है। अब उन्हें वो रियलाइज़ हो गया है कि यार आप ही वो परफेक्ट पर्सन हो, और ये बात वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। वो पता है यूनिवर्स से बहुत बार कंप्लेन करते थे कि भगवान आपने मुझे ये चीज़ नहीं दी, भगवान आपने मुझे प्यार नहीं दिया। हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में इस चीज़ की कमी रही हो, और वो शेयर नहीं कर पा रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आपके पर्सन जो है वो रियली दिल से ग्रेटिट्यूड देते हैं यूनिवर्स को कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच मुझे इतना परफेक्ट पर्सन देने के लिए, इतना प्यारा पर्सन देने के लिए, इतना लविंग पार्टनर देने के लिए। तो यस, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत थैंक यू ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, एंड वो ये शेयर नहीं कर पाते हैं आपसे। देखते हैं आप क्या छुपा रहे हैं अपने पर्सन से। कर्क राशि, आप आपके पर्सन से क्या छुपा रहे हैं। डिस्पोंडेंस, ओके, इम्पार्शियलिटी, एंड लास्ट कार्ड परसेप्शन, ओके। देखिए आप क्या छुपा रहे हैं अपने पर्सन से कि भाई तुम्हारी जो हरकतें हैं ना वो कभी कभी मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है। आपको ऐसा लगता है कि यार तुम कभी बहुत अच्छे होते हो और कभी सडनली पता नहीं क्या हो जाते हो, तो वो बातें आपके मन में चल रही है बहुत। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा नज़रिया और तुम्हारा नज़रिया बहुत अलग अलग है, हमारे विचार बहुत अलग अलग है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन अभी आप ये बातें कहना नहीं चाहते क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं फियर है कि यार ये सुन के फिर से झगड़ा ना हो जाए या फिर से चला ना जाए ये पर्सन। तो हो सकता है इन 15 दिनों में, पता है आपकी ये जो आप सोच रहे हो, जो बातें आपके दिमाग में चल रही है, उसके सॉल्यूशंस आपको मिलने लग जाए, क्योंकि नीचे की रीडिंग में जो अब हमने देखा था उसमें यही था कि क्लियरिटी मिल रही है दोनों के बीच में, जो भी बातें थी वो क्लियर हो जाएगी, फिर से एक नए रिश्ते की, एक पॉजिटिव रिश्ते की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यस, आप जो है आपके मन में जो भी क्लियर नहीं है ना चीज़ें, वो सब ठीक हो जाएंगे, वो सब अच्छा होगा, और थोड़ा जो आप क्लियर नहीं हो अपनी चीज़ों को लेकर, तो क्लियर हो जाओगे। नेक्स्ट, आपकी तरफ से कुछ मैसेजेस हम देखते हैं अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के लिए, सॉरी, कर्क राशि के पार्टनर के लिए। कर्क राशि की क्या फीलिंग्स है, एक्चुअली मन में क्या फीलिंग्स है। योर लव कैन हील एवरी ब्रोकन पीस ऑफ माई हार्ट, डोंट एवर लीव मी। आप छोड़ना नहीं चाहते अपने पर्सन को, आपको ऐसा लगता है कि यार ये तीसरी बार ये कार्ड आया है न्यू बिगनिंग इस रीडिंग में,
सो मुझे ऐसा लग रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है इसमें। अगर किसी का ब्रेकअप है तो रिकंसिलेशन है, अगर किसी की कोई अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहा था तो वो फीलिंग्स शेयर करने वाला है, कोई एक नए लेवल पे अपने रिश्ते को लेकर जाने वाला है, तो किसी भी तरह से न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है, किसी भी तरह से। सो गुड, यू आर ए गुड फ्रेंड। अभी आप अपने इस पर्सन को, यस आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में नहीं हो ना, आपको थोड़ा सा डर है कि यार कहीं ये ड्रामा तो नहीं हो रहा मेरे साथ, तो अभी आप गुड फ्रेंड वाली एनर्जी में फील करते हो इस पर्सन के साथ कि यस ये मेरा सेफ जोन है, ये मेरा गुड फ्रेंड है, तो आप अच्छा फील करते हो। ठीक है, लास्ट में आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस, कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस है। यू कैन बी योर ओन नाइट, मेक द चेंज, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर ए स्पेल। पता है बहुत ज़्यादा अगर आप सोच रहे हो, जैसा कि ये कार्ड भी यहाँ पर मुझे दिखा रहा था कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो डिस्पोंडेंस का कार्ड आया था कि बहुत जल्दी आप छोटी सी बात पे नाराज़ हो जाते हो, गुस्सा होने लगते हो, इरिटेट होने लगते हो, तो यहाँ पर पता है आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, थोड़ा खुद पे फोकस करो, खुद का मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं अच्छे सलून जाने की ज़रूरत है, अपने हेयर कट लो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने लुक्स में चेंजेस लेकर आओ, हेयर स्टाइल चेंज कराओ अपनी, अपने अच्छे कपड़े, कुछ न्यू कपड़े अपने लिए खरीदो, अपने आप को कुछ डिफरेंट बनाओ। अब फिर देखो कि आप में क्या अट्रैक्शन आता है, आप खुद को लेके कितना कॉन्फिडेंट होते हो, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो करिएगा इन 15 दिनों में, आप देखोगे कि इससे आप में कितना बदलाव आता है। अगर आपका वेट बढ़ता जा रहा है, आपको आप डाइट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, तो ये भी आपको फॉलो करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अभी खुद से अलग हो, खुद के बारे में कोई कुछ सोच विचार ही नहीं है, आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, तो सेल्फ लव या सेल्फ पे प्रैक्टिस करो, खुद में चेंजेस लेकर आने हैं, खुद की डाइट पे फोकस करना है, खुद के योगा वर्कआउट जो भी आप करना चाहते हैं उस पे फोकस करना, अपने लुक्स को बेहतर बनाओ, खुश रहो, एंजॉय करो, आपके फेस पे एक चार्म दिखना चाहिए, पता है अपने आप अट्रैक्शन होगा आपके पर्सन को, वो अपने आप दौड़ा चलाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, और ये प्रिंसेस कार्ड मुझे दिखाता है कि ये सब आप खुद कर सकते हो, इसीलिए दो क्वींस के कार्ड आपके आए थे स्टार्टिंग रीडिंग में, कि देखना इन 15 दिनों में थोड़ा आप में अट्रैक्शन आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, एटीट्यूड आ जाएगा, वो क्यों, क्योंकि आप अपने आप में चेंजेस ज़रूर लेकर आओगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, लास्ट हम देख लेते हैं फाइनल आउटकम, फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है आपकी लव लाइफ में। कर्क राशि, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। क्रिएटिविटी, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, मैरिज दिख रही है मुझे बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे। द माइजर, एक स्टेबिलिटी वाला रिश्ता, टिका हुआ रिश्ता जो आप चाहते थे बहुत टाइम से किसी के साथ। कंप्लीशन, यस अब मुझे नहीं लगता नेक्स्ट कार्ड लेने की ज़रूरत है यहाँ पे, यस आप बहुत कंप्लीट फील करने वाले हो। अगर इतने टाइम से आप कंफ्यूजन में थे, आपको डर था कि ये रिश्ता रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, या फिर कंप्लीट मतलब लाइफ इनकम्प्लीट है, तो अभी आप फील करोगे इस अक्टूबर के एंड तक कि यस अब मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा परफेक्ट पर्सन है, ये मेरा परफेक्ट पार्टनर है, और इसी के साथ ही मैं हूँ। ठीक है, तो कर्क राशि ये थी आपकी रीडिंग आने वाले 15 दिन के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।